टॉपिक है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम। अब हम क्या करेंगे, हमने ये डिस्कस किया कि एक वेसल है जिसमें लिक्विड है और ये इसमें ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट की डेप्थ कितनी है, एच है, तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी। कब, अगर ये लिक्विड रेस्ट पे है या लिक्विड इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होना या रेस्ट पे होना बात एक ही है। लेकिन अगर आपका लिक्विड क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, अगर आपका लिक्विड एक्सेलरेट करेगा, अगर ये रेस्ट पे तो ऐसा रहेगा, एक्सेलरेशन में क्या होगा, सूडो फोर्स काम करेगी और लिक्विड पीछे आ जाएगा। जैसे हमने किया, एक जार लेके बैठ जाओ पानी का एक कार के अंदर, तो कार को एक्सेलरेट करवाओ, सारा पानी आपके ऊपर आएगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ऐसे ही है, सारा पानी ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे जैसे कार एक्सेलरेट कर रही होगी, पानी ऊपर, एक्सेलरेशन बंद, तो पानी बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। तो जैसे ही एक्सेलरेट कर रही है, पानी ऊपर आ गया, क्वेश्चन है कितने एंगल ऊपर आ गया, थीटा निकालो। तो ये पार्टिकल पी है, इस पार्टिकल के ऊपर दो एक्सेलेशन काम कर रही है साइमल्टेनियसली। पहली एक्सेलेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन जी, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरी क्योंकि ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो पीछे सूडो फोर्स ही एक्सेलेशन ए। तो दो एक्सेलेशन है, एक जी और एक ए, और नेट एक्सेलेशन क्या होगी, इनका एक पैलोग्राम बनाएंगे और नेट जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, जी अफेक्टिव। जी अफेक्टिव क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो क्वेश्चन आएगा कि अफेक्टिव जी क्या होगा, इसमें अफेक्टिव जी की वैल्यू आ गई। फिर उसी तरीके से इंक्लाइन प्लेन की तरह नहीं लग रहा, जैसे लॉज ऑफ मोशन इंक्लाइन प्लेन होता है, अगर ये एंगल थीटा तो ये थीटा एम जी के साथ एंगल थीटा सेम। तो अगर ये थीटा निकालना है, अगर ये थीटा निकालना है तो ये थीटा निकाल देते हैं, तो इस पैलोग्राम में अगर ये ए है तो नीचे वाला भी ए है, तो टैन थीटा क्या बनेगा, ए अपॉन जी, टैन थीटा ए अपॉन जी, तो थीटा क्या बनेगा, टैन इनवर्स ए बाई जी। तो एंगल आ जाएगा उसका इंक्लाइन प्लेन की तरह कि लिक्विड ने कितना एंगल बनाया, तो ये आपका नेक्स्ट रिजल्ट है। अब जैसे सपोज करो फिर से वेसल एक्सेलरेट कर रहा है और फिर से टेढ़ा है पानी एट एन एंगल ऑफ थीटा, इस बार ये ए पार्टिकल है जिसकी वर्टिकल हाइट नहीं गिवन, ये हाइट नहीं गिवन, जिसकी कौन सी हाइट गिवन है, ये हाइट गिवन है, परपेंडिकुलर हाइट गिवन है, ये हाइट टेढ़ी। तो अगर आपको ये हाइट गिवन है तो ए और यहां पर इस डायरेक्शन में क्या ऐड कर रही है, जी अफेक्टिव जो ऊपर हमने किया, तो ए पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच इंटू रो इंटू जी अफेक्टिव, क्योंकि जो हाइट हमें गिवन है वो किस डायरेक्शन में गिवन है, जी अफेक्टिव। पर अगर स्टूडेंट पूछ रहा था कि अगर मान लो हाइट हमें वर्टिकल गिवन होती फिर क्या लेते, फिर सिर्फ जी लेते। तो हाइट अगर ऐसे गिवन है तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, एच रो जी। अगर हाइट ऐसे गिवन है तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, एच रो इंटू जी अफेक्टिव। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा ए पॉइंट पर पी एटमोस्फेरिक तो होगा होगा, साथ में एच रो इंटू जी अफेक्टिव होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर, ठीक, यस सर। अब जैसे सपोज करो आपके पास फिर से एक्सेलरेटेड फ्रेम है और पानी फिर टेढ़ा है, इस बार मैंने आपको हाइट ऐसी टेढ़ी नहीं दी, मैंने आपको हाइट वर्टिकल दी। तो अगर मैंने हाइट वर्टिकल दी तो, और ए पॉइंट का प्रेशर मैं पूछ रहा हूं, तो ए पॉइंट का प्रेशर पता है क्या होगा, एच रो जी, जी अफेक्टिव नहीं, एच रो जी प्लस पी एटमोस्फेरिक, क्योंकि हाइट मैंने जी के अलोंग दी है। तो समझ में आ रहा है यहां तक पॉइंट। अब यहां पर जो कोने का पॉइंट है, कोने के पॉइंट के ऊपर तो पानी है नहीं, सिर्फ एटमोस्फेयर है, तो यहां का प्रेशर क्या होगा, पी एटमोस्फेयर, ठीक हो गया, यहां का प्रेशर पी एटमोस्फेयर। अब सपोज करो ए पॉइंट है और ए पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस कितना गिवन है, एच, और ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना गिवन है, एल। तो अगर मैं यहां पर ए पॉइंट, अगर मैं वर्टिकल में लगाऊं, इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, पी एटमोस्फेयर है ना, सरफेस के ऊपर पी एटमोस्फेयर है, तो ए पॉइंट का प्रेशर मैंने निकाल दिया आपको, ये रहा एच रो जी प्लस पी, एक तरीके से निकाल दिया मैंने। ये फॉर्मूला किस में लगाया, वर्टिकल में। अब ये ध्यान से देखना, अगर फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल में लगाया जाए तो ए पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, पी एटमोस्फेयर, और यहां का प्रेशर कितना है, पी ए। तो ये बताओ कि ये प्रेशर बड़ा होगा कि ए का प्रेशर बड़ा होगा, ए का, क्योंकि जितना पीछे आओगे पानी उतना ही पीछे की तरफ आ रहा है, तो प्रेशर पीछे के पॉइंट्स पे ज्यादा मिलेगा आपको। पानी अगर मान लो ये रूम है, इसमें पानी है, रूम आगे एक्सेलरेट कर रहा है, तो पानी पीछे जोर लगाएगा तो पीछे पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसके अंदर पी ए माइनस पी एटमोस्फेयर, एच रो जी की जगह क्या लगेगा पता है, एल रो
हॉरिजॉन्टल में जी तो होता ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में यहां पर क्या है ए, तो एच रो जी की जगह एल रो ए, तो एक्सेलरेशन कितनी है हॉरिजॉन्टल में ए और हाइट कितनी है यहां पर एल। तो एक कॉन्सेप्ट है कि आपको प्रेशर ऑफ ए अगर निकालना है तो ये आएगा, मतलब आपके किसी भी क्वेश्चन में आप अपनी इक्वेशन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैसे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव कि कैसे वर्टिकल में लगवा रहा है या हॉरिजॉन्टल में लगवा रहा है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? एनसीईआरटी में आने की प्रोबेबिलिटी कब, मैं पहले बता दूंगा इन चीजों की क्या प्रोबेबिलिटी है, मैं मार्क करवा दूंगा आपको, ठीक है यहां तक? बट हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ रहा है, कैसे भी क्वेश्चन लगेंगे, याद कुछ नहीं करना, सिर्फ निकालना सीखना है, ठीक।